मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो लॉज दिए थे उनमें से पहला लॉ हम लोगों ने कर लिया था। सेकंड, आज हम लोग दूसरा लॉ करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। पहले मैं आपको इसे इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। ये लॉ कहता है कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट्स बनते हैं, बोथ एलील्स ऑफ अ जीन गेट सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर। सेग्रीगेट होने का मतलब होता है सेपरेट होना। तो ये लॉ कहता है कि जब गैमेटोजेनेसिस होता है, मतलब जब गैमेट्स बनते हैं, तो जो एक जीन के जो दो एलील्स होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि एक गैमेट में दोनों में से कोई एक ही टाइप का अलील होगा, दोनों एलील्स जो हैं वो पाए नहीं जाएंगे। इस वजह से गैमेट हमेशा प्योर होता है। प्योर का मतलब या तो उसमें कैपिटल टी होगा या उसमें स्मॉल टी होगा। आपने लास्ट क्लास में देखा था F1 जनरेशन आ रही थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें दोनों तरीके के थे तो ये इम्प्योर था। पर गैमेट हमेशा प्योर रहता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही टाइप का अलील होगा, या तो सिर्फ कैपिटल टी होगा या फिर सिर्फ स्मॉल टी होगा, तो गैमेट प्योर रहता है। इस वजह से इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि जब गैमेट्स तैयार होते हैं, जैसे कि आप क्रॉस में देख ही रहे हैं, सबसे पहले हमने पेरेंट्स लिया, अब ये जो पेरेंट्स हैं इनसे क्या तैयार किए, गैमेट्स। अब आप देखेंगे कि जो कैपिटल टी एक साथ थे, गैमेट्स दो अलग बन गए, एक अलग कैपिटल टी और एक दूसरा अलग कैपिटल टी। इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करने के लिए सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही इस्तेमाल किया, मतलब एक ऐसा क्रॉस जो कि सिर्फ एक ही करेक्टर को ध्यान में रखते हुए परफॉर्म किया गया। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने हाइट, प्लांट की हाइट का जो करेक्टर है, जो प्रॉपर्टी है, सिर्फ उसे ध्यान में रखते हुए क्रॉस किया। तो इसके लिए जैसा लास्ट क्लास में भी हमने किया था कि दो पेरेंट्स लेने हैं, दोनों होमोजाइगस होने चाहिए, एक डोमिनेंट करेक्टर्स के साथ और दूसरा रिसेसिव करेक्टर्स के साथ। तो एक हमने प्योर टॉल पेरेंट लिया है और एक हमने प्योर ड्वार्फ पेरेंट जो है वो लिया है। फिर जैसा लास्ट क्लास में किया था कि इनसे हम लोग गैमेट्स बनाएंगे, तो इनके जो एलील्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, तो जो प्योर टॉल था, मतलब कैपिटल टी, उससे दोनों एलील्स अलग हो गए। मतलब मान लो दो गैमेट तैयार हो गए, एक में कैपिटल टी गया और दूसरे में भी कैपिटल टी। ऐसे ही जो तुम्हारा प्योर रिसेसिव पेरेंट है, उससे भी दो आपके गैमेट्स तैयार हुए, एक गैमेट में स्मॉल टी और दूसरे गैमेट में भी क्या गया, स्मॉल टी गया। ये आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉरी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। अब ये गैमेट्स जो हैं आपस में फर्टिलाइज होकर के ऑफस्प्रिंग, प्रोजनी जो है उसे जन्म देंगे। जो फर्स्ट जनरेशन है F1, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, वो देखिए क्या हो सकती है। अगर कैपिटल टी से स्मॉल टी मिला तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही उसी कैपिटल टी से दूसरे वाले का दूसरा स्मॉल टी बना तो कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों एक जैसे। फिर इसी तरीके से सेकंड वाले कैपिटल टी से एक स्मॉल टी मिला तब भी वो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और इसी तरीके से कैपिटल टी से स्मॉल टी मिला। तो आपके कहने का मतलब ये कि आप यहाँ चार पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, पर वो चारों के चारों हुबहू एक जैसे हैं। तो F1 जनरेशन जो है, इसमें आप देखेंगे सभी के सभी प्लांट्स, हाँ भाई, टॉल होंगे के ड्वार्फ होंगे दिखने में फिजिकली। F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स फिजिकली दिखने में टॉल होंगे या फिर ड्वार्फ होंगे। लास्ट क्लास में समझाया था ये ये। मैंने तुम्हें, हाँ जी, टॉल होंगे क्योंकि जो डोमिनेंट करेक्टर है कैपिटल टी वो आ गया, और डोमिनेंट करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है और रिसेसिव करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता।
तो ये आपने F1 जनरेशन जो है वो तैयार कर दी। अब ये F1 जनरेशन से जो हमें प्लांट मिला है, मान लो हम लोग उसका सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, जिसे आप सेल्फिंग कह सकते हो, है ना, या फिर सेल्फ क्रॉस इसे कह सकते हो। मतलब बिल्कुल हूबहू वो जो आपका F1 जनरेशन में प्लांट आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी, वो अपने ही जैसे, बिल्कुल अपने ही जैसे दूसरे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस कर रहा है, रिप्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। पर जैसा मैं पता है कि सर रिप्रोडक्शन के लिए तो गैमेट चाहिए, तो हम लोग F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो हमें पहले गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी से गैमेट बनेगा, एक गैमेट तो बनेगा कैपिटल टी और दूसरा गैमेट बनेगा स्मॉल टी। ऐसे ही दूसरे वाले पेरेंट में भी एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी और दूसरा गैमेट बनेगा स्मॉल टी। अब आप देख रहे हो कि F1 जनरेशन में जो हमें ऑफस्प्रिंग मिली थी, जब वो गैमेट बना रही है तो कितने टाइप के गैमेट बन रहे हैं। जब F1 जनरेशन गैमेट तैयार करेगी तो कितने टाइप के गैमेट्स तैयार करेगी वो। अरे भाई तुम्हारे सामने है कितने टाइप की गैमेट्स बना रहा है। एक एक आपका ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन का एक इंडिविजुअल कितने टाइप के गैमेट्स बना रहा है। अरे भाई दो टाइप के गैमेट बना रहा है ना, एक गैमेट कैपिटल टी और दूसरा गैमेट स्मॉल टी। अब ये गैमेट्स आपस में मिलकर के F2 जनरेशन को बनाएंगे। तो अगर मैं कैपिटल टी पकड़ूं लेफ्ट वाले का और राइट वाले का भी कैपिटल टी, तो जो ऑफस्प्रिंग F2 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग बनी वो बनेगी कैपिटल टी कैपिटल टी। लेफ्ट वाले का मैं कैपिटल टी लूं और अब राइट वाले का स्मॉल टी, तो ये बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। लेफ्ट वाले का स्मॉल टी लूं और राइट वाले का कैपिटल टी, तो जो डोमिनेंट होता है उसको पहले लिखते हैं अपन। इसको आप स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर मैं लेफ्ट वाले का स्मॉल टी और राइट वाले का भी स्मॉल टी लूं तो मुझे जो जनरेशन मिलेगी वो होगी स्मॉल टी स्मॉल टी। हाँ जी, जो F2 में पहला इंडिविजुअल है कैपिटल टी, वो फिजिकली दिखने में टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, जल्दी कमेंट करो तुरंत, मैं पूछता जा रहा हूँ, आप लोग कमेंट करते जाइए। जो F2 में पहला है कैपिटल टी वो आपका टॉल होगा या ड्वार्फ, ठीक है वो होगा टॉल। जो दूसरा है कैपिटल टी कैप स्मॉल टी और तीसरा वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों एक जैसे हैं, तो ये दोनों टॉल होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर ड्वार्फ होंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल होंगे या फिर ड्वार्फ होंगे, ये भी टॉल होंगे। आखिरी वाला स्मॉल टी ये ड्वार्फ होगा या फिर टॉल होगा। लास्ट वाला जो F2 में स्मॉल टी है वो ड्वार्फ होगा या फिर टॉल होगा। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वो होगा ड्वार्फ। तो बच्चों आपने देखा F1 जनरेशन ये सबके सब लंबे थे, पर आपने देखा इसी F1 जनरेशन से F2 जनरेशन जो बनी उसमें ड्वार्फ प्लांट के आने की भी पॉसिबिलिटी है। तो जरूर ये जो ड्वार्फ प्लांट वाला करेक्टर है ये F1 जनरेशन में ट्रांसफर तो हुआ था, पर अपने आप को शो नहीं कर पाया, अपने आप को वो दिखा नहीं पाया था। तो हमने लास्ट क्लास में जीनोटाइप और फिनोटाइप की डेफिनेशन समझी थी कि भाई फिनोटाइप का मतलब होता है सिर्फ फिजिकली अपीयरेंस में, दिखने में कोई इंडिविजुअल कैसा है, और जीनोटाइप का मतलब हमने समझा था कि एक्चुअल में जेनेटिकली जीन्स के अकॉर्डिंग वो इंडिविजुअल कैसा है। तो अगर हम लोग यहाँ जीनोटाइपिक रेशियो निकालें तो क्या लगता है F2 जनरेशन में कितने टोटल टॉल हैं और कितने ड्वार्फ आए, फिजिकली दिखने में कितने टोटल टॉल थे और कितने टोटल ड्वार्फ, टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो क्या आएगा। टोटल F2 जनरेशन में तुमने देखा टॉल तो तुम्हारे सामने आए थे 3 और जो ड्वार्फ था वो था सिर्फ 1, 4 में से 3 तो लंबे थे और एक बौना था, एक छोटा था। तो जीनोटाइप, सॉरी बच्चों मैंने उल्टा लिख दिया है, मैंने उल्टा लिख दिया है, मैंने जीनोटाइप के
की जगह फिनोटाइप करना था, तो जो बोर्ड पर लिखा हुआ है जीनोटाइप वहां पर फिनोटाइप है एक्चुअल में, तो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 3:1। अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं F2 जनरेशन के जेनेटिकली, तो तुम देखो कि कैपिटल टी जो है चार में से एक ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी चार में से कितने हैं दो, और स्मॉल टी स्मॉल टी चार में से कितने हैं एक, तो आपका जो जीनोटाइपिक रेशियो आएगा वो आएगा 1:2:1, 1:2:1, ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा। हाँ साहब, ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके बताओ पहले तो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो क्रॉस परफॉर्म करके दिखाया गया है, जो जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो निकाले गए हैं, वो आपको आए या नहीं आए? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। फिर लास्ट क्लास में मैंने दो डेफिनेशंस छोड़ दी थी ये कह के कि अगली क्लास में जब ये आएंगी तब हम लोग बात करेंगे। वो डेफिनेशन थी, एक तो था तुम्हारा टेस्ट क्रॉस और एक था तुम्हारा बैक क्रॉस। एक तो था अपना टेस्ट क्रॉस और एक था आपका बैक क्रॉस। थोड़ा सा मुझे माफ करना, मैंने यहां भी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है लिखने में। हाँ जी बच्चों, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस ये दो डेफिनेशन जो है वो मैंने लास्ट क्लास में छुड़वाई थी, इनकी हम लोग अब बात करते हैं। देखो बैक क्रॉस क्या है, जो आपको F1 जनरेशन में हाइब्रिड मिला, जैसे यहां जो हमने क्रॉस बना रखा था उसमें आपको F1 जनरेशन में सारे हाइब्रिड एक जैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आप इस हाइब्रिड का क्रॉस मतलब रिप्रोडक्शन किसी भी पेरेंट के साथ करवा दें, जैसे यहां पर जो F1 जनरेशन मिला है उसके पेरेंट्स क्या थे, या तो कैपिटल टी और दूसरा था स्मॉल टी, तो इन दोनों में से आप किसी के भी साथ में अगर इसका क्रॉस करवा दें तो इस क्रॉस को हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस। जैसे मैंने क्रॉस परफॉर्म करवाया है, हाइब्रिड ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो पेरेंट मैंने ले लिया वो ले लिया मैंने प्योर होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी। फिर मैंने इन दोनों से गैमेट्स बनाए, हाइब्रिड से गैमेट बना कैपिटल टी स्मॉल टी, जो टॉल पेरेंट था उससे गैमेट बने कैपिटल टी और दूसरा भी बना कैपिटल टी। फिर मैंने इन्हें क्रॉस करवाया तो लेफ्ट वाले का कैपिटल टी राइट वाले का कैपिटल टी, तो ये बन गया कैपिटल टी। ऐसे ही लेफ्ट वाले का कैपिटल टी और राइट वाले का दूसरा कैपिटल टी, ये भी बन गया कैपिटल टी। फिर लेफ्ट वाले का स्मॉल टी, हाइब्रिड का स्मॉल टी और पेरेंट का कैपिटल टी, ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी। और ऐसे ही आखिरी वाला लेफ्ट वाले का स्मॉल टी राइट वाले का कैपिटल टी, ये भी बना कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो सबसे पहली चीज मुझे आप लोग ये बताइए कि यहां जो बैक क्रॉस मैंने परफॉर्म किया है इसमें कितने टॉल होंगे फिजिकली और कितने ड्वार्फ, मतलब मैं आपसे फिनोटाइप पूछ रहा हूं, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, कितने टॉल होंगे और कितने ड्वार्फ। हाँ जी, सबके सब टॉल मतलब रेशियो आपका 4:0 आ जाएगा, चार टॉल और 0 ड्वार्फ। तो ये था तुम्हारा बैक क्रॉस। दूसरी डेफिनेशन जो है वो है आपकी टेस्ट क्रॉस।
जब F1 जनरेशन में मिले हुए हाइब्रिड को, F1 जनरेशन में मिले हुए हाइब्रिड को आप पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएं और वो पेरेंट रिसेसिव, अगर वो पेरेंट रिसेसिव हुआ तो इस बैक क्रॉस को, भाई ये भी एक बैक क्रॉस ही है क्योंकि आप पेरेंट के साथ ही क्रॉस करवा रहे हैं, तो इस टाइप के बैक क्रॉस को हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। फिर से बता देता हूं, जब आप F1 जनरेशन में मिले हुए हाइब्रिड का क्रॉस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से करवा दें, तो इस टाइप के क्रॉस को हम लोग नाम दे देते हैं क्या? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस। तो मैंने हाइब्रिड लिया F1 जनरेशन से, कैपिटल टी स्मॉल टी, और टेस्ट क्रॉस करना है तो पेरेंट मैंने जो लिया वो लिया स्मॉल टी स्मॉल टी। गैमेट्स बनाए तो हाइब्रिड से तो दो टाइप के गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, और जबकि जो रिसेसिव पेरेंट है उससे दोनों गैमेट एक ही टाइप के बनेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इन गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन अगर करवाया जाए तो हाइब्रिड का कैपिटल टी, पेरेंट का स्मॉल टी बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइब्रिड का कैपिटल टी और पेरेंट का दूसरा स्मॉल टी ये भी बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर हाइब्रिड का स्मॉल टी और पेरेंट का स्मॉल टी ये बनेगा स्मॉल टी स्मॉल टी, और ऐसे ही हाइब्रिड का स्मॉल टी और पेरेंट का दूसरा स्मॉल टी ये भी बनेगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो फटाफट से मुझे यहाँ फिनोटाइपिक रेशियो कमेंट करके बताओ, फिनोटाइपिक रेशियो, यहां जो मैंने टेस्ट क्रॉस बनाया है उसमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? हाँ जी, टू ईच टू टू, फिनोटाइपिक रेशियो आएगा टू ईच टू टू, दो तो लंबे होंगे दो छोटे। अच्छा, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? ये तो फिनोटाइपिक बताया आपने, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? फिनोटाइपिक तो आपने बताया टू ईच टू टू, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? हाँ जी, जीनोटाइपिक रेशियो भी आपका टू ईच टू टू ही आएगा, टू ईच टू टू ही आएगा। तो ये था बच्चों हमारा दूसरा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से हमें एक्सप्लेन किया। तीसरा और जो आखिरी लॉ है ग्रेगर जॉन मेंडल का, वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो लॉ है इसे एक्सप्लेन करने के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसकी जरूरत पड़ती है। तो स्टार्टिंग के दोनों लॉ तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन हो गए, पर तीसरे लॉ को समझाने के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस की जरूरत हमें पड़ती है। ये लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ये लॉ कहता है कि दो करेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल एलील्स जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। फिर से समझ लीजिए, द एलील्स ऑफ टू डिफरेंट करेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे मान लो मैं क्या लेता हूं, मैं दो करेक्टर अपने लेता हूं, जैसे कि एक मैं कह देता हूं स्किन कलर और दूसरा मैं कह देता हूं हाइट। जैसे मान लो मेरा स्किन कलर डार्क है, मैं काला हूं और पर मेरी हाइट लंबी है, तो दो करेक्टर हो गए काला और लंबा, पर मेरे जो ऑफस्प्रिंग आगे होंगे, क्या ऐसा जरूरी है कि अगर उनकी स्किन टोन डार्क हुई तो वो सभी लंबे ही होंगे?
क्या ये कंफर्म है कि अगर उनकी स्किन टोन डार्क हुई तो वो सब लंबे ही होंगे, उनमें से कोई छोटा नहीं हो सकता, हाइट में कम नहीं रह सकता, सब लंबे ही लंबे होंगे, क्या ऐसा जरूरी है? क्या लगता है? है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो मैंने करेक्टर्स बताए, स्किन टोन और हाइट, इनके जीन्स के जो एलील्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि डार्क टोन के साथ में टॉल ही होगा ऑफस्प्रिंग, जरूरी नहीं है, वो छोटा भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है। तो यही आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि दो करेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल एलील्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। तो इसे समझाने के लिए एक डायहाइब्रिड क्रॉस हम लोग परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। समझिएगा बच्चों, मैंने यहां पर दो करेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्रॉस परफॉर्म किया है। एक बार मैंने माना कि जो पी प्लांट है, जो पाइसम सेटाइवम है, उसका जो सीड है, जो मटर का दाना है, उसकी शेप, एक सीड की शेप है येलो, सॉरी शेप है राउंड और कलर है येलो। मैंने राउंड को डोमिनेंट माना है तो मैं उसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करूंगा, और येलो को मैंने डोमिनेंट माना है तो मैं उसे कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करूंगा। और एक दूसरा सीड है जिसकी शेप है रिंकल्ड, ठीक है, इसे मैंने रिसेसिव माना है तो मैं इसे स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करूंगा, और उसका कलर है ग्रीन, ग्रीन को मैंने रिसेसिव माना है तो मैं उसे सॉरी स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करूंगा, और रिंकल को स्मॉल आर से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो फिर से राउंड एंड येलो डोमिनेंट है, रिंकल्ड एंड ग्रीन रिसेसिव है। तो मैंने, जैसा कि नियम है कि आप जो दो पेरेंट लेंगे वो दोनों होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तो क्योंकि एक करेक्टर के लिए दो जीन होते हैं, दो एलील्स होते हैं, तो कलर येलो के लिए दो एलील मैंने ले लिए, कैपिटल वाई, और शेप राउंड शेप के लिए मैंने दो एलील ले लिए, कैपिटल आर। तो ये जो पेरेंट है ये तो हो जाएगा राउंड एंड येलो। ऐसे ही दूसरा पेरेंट के लिए मैंने स्मॉल वाई मतलब कि ग्रीन, और स्मॉल आर मतलब कि रिंकल्ड, ये मैंने ग्रीन एंड रिंकल्ड ले लिया। तो ये तो हो गए अपने पी पी जनरेशन मतलब पेरेंट्स। अब जैसा हम लोग करते आए हैं, पेरेंट्स से बनाते हैं गैमेट्स। अब एक गैमेट में एक करेक्टर का एक ही एलील जाएगा, यहां करेक्टर आपने दो लिए हैं तो इसका मतलब एक गैमेट में दो एलील्स जाएंगे। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर इस पेरेंट से एक गैमेट बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, और दूसरा भी ऐसा ही बनेगा कैपिटल वाई और कैपिटल आर। दूसरा वाला जो है उसमें एक गैमेट बना स्मॉल वाई स्मॉल आर, भाई जो वाई दो वाई थे उनमें से एक वाई लिया और दूसरे आर में से एक आर लिया, ऐसे ही दूसरा वाला भी बिल्कुल सेम बन रहा है स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये अपने तैयार हो गए बच्चों गैमेट्स। अब ये गैमेट्स आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे और ये F1 जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगे। ध्यान रहे जो कैपिटल में है, जो डोमिनेंट है, उसे आपको पहले लिखना है। तो अगर मैं पहले पेरेंट का गैमेट लेता हूं कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरे पेरेंट का गैमेट स्मॉल वाई स्मॉल आर, दोनों को क्रॉस करा दूं, तो मेरे पास जो F1 जनरेशन में इंडिविजुअल आएगा वो होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये जो F1 जनरेशन में इंडिविजुअल आप देख रहे हैं, मैंने चार इंडिविजुअल तैयार किए हैं। हाँ जी, ये इंडिविजुअल फिजिकली कैसे होंगे, मतलब कि भाई येलो एंड राउंड होंगे, येलो एंड ग्रीन होंगे, रिंकल्ड एंड ग्रीन होंगे, या रिंकल्ड एंड राउंड होंगे, कमेंट करो। F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स आपको मिल रहे हैं ये फिजिकली दिखने में कैसे होंगे, येलो एंड राउंड, येलो एंड रिंकल्ड, ग्रीन एंड राउंड, ग्रीन एंड रिंकल्ड। कनिका, कैपिटल वाई कैपिटल आर का मतलब मुझे पता है, पर मैं तुमसे पूछ रहा हूं उसी फॉर्म में जवाब दो जैसा शौर्य ने कहा, येलो एंड राउंड।
तो सारे के सारे F1 जनरेशन में इंडिविजुअल जो आएंगे वो सबके सब येलो एंड राउंड होंगे। उनके अंदर रिसेसिव करेक्टर भी गया है, पर क्योंकि हमें पता है कि भाई डोमिनेंट करेक्टर ही अपने आप को दिखा पाता है, तो सबके सब येलो एंड राउंड। अब हमें F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल मिले हैं उनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है। तो सर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हम लोग दो एक जैसे इंडिविजुअल ले लेते हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल हम लोग ले लेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और दूसरा भी बिल्कुल इसी के जैसा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और सर जैसा हमने पहले किया था कि भाई इन्हें अगर क्रॉस कराना है तो क्या तैयार करने पड़ेंगे, इनके गैमेट्स। तो अब बच्चों मैं यहां देख रहा हूं कि एक इंडिविजुअल से मुझे चार टाइप के गैमेट मिल रहे हैं। देखो एक बार कैपिटल वाई के साथ लिया कैपिटल आर, तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर एक मिल गया। फिर मैंने कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल आर को ले लिया, तो दूसरा मिल गया कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर मैंने क्या करा, मैंने इस बार स्मॉल वाई के साथ में पहले दूसरे का कैपिटल आर ले लिया, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, और चौथे केस में स्मॉल वाई और स्मॉल आर को ले लिया। तो मुझको बच्चों यहां एक पेरेंट से चार अलग टाइप के गैमेट मिल गए। ऐसे ही दूसरे पेरेंट से भी मुझे चार अलग टाइप के गैमेट्स मिलेंगे। तो जब मैं चार गैमेट्स एक पेरेंट के, चार टाइप के गैमेट दूसरे पेरेंट के, इन्हें जब मैं क्रॉस करवाऊंगा तो क्या लगता है कितने टाइप की ऑफस्प्रिंग जनरेट होंगी, कितने टाइप की ऑफस्प्रिंग जो है वो जनरेट हो सकती हैं जब मैं चार टाइप के गैमेट एक पेरेंट के और चार टाइप के गैमेट दूसरे पेरेंट के आपस में क्रॉस करवाऊंगा, तो कितने टाइप के ऑफस्प्रिंग्स F2 जनरेशन में प्रोड्यूस हो सकती हैं। हाँ जी बिल्कुल, करने का आपने सही कहा, 16 टाइप्स की, 4 × 4। तो अब ये 16 जो ऑफस्प्रिंग्स हैं इन्हें बनाने के लिए मैंने एक मेथड का इस्तेमाल लिया है। आप देखेंगे मैंने एक स्क्वायर बनाया है, इसे कहते हैं, इस मेथड को बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर, PUNNET, पुन्नेट स्क्वायर, जिसमें मैंने वर्टिकली लेफ्ट साइड में एक पेरेंट के गैमेट्स लिख दिए, हॉरिजॉन्टली ऊपर लेफ्ट टू राइट मैंने दूसरे पेरेंट के गैमेट्स को रख दिया, और 16 बॉक्स जो मैंने तैयार किए हैं इनमें मैं एक एक करके सारे जो भी पॉसिबल ऑफस्प्रिंग है उन्हें लिखता जा रहा हूं। तो अगर मैंने वर्टिकल वाला कैपिटल वाई स्मॉल आर, हॉरिजॉन्टल वाला सॉरी वर्टिकल वाला कैपिटल वाई कैपिटल आर और हॉरिजॉन्टल वाला कैपिटल वाई कैपिटल आर लिया, तो यहां जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी वो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर लिया, तो ऑफस्प्रिंग बन रही है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे ही कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर को लिया, तो ऑफस्प्रिंग बनी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर फिर मैंने कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर को लिया, तो ऑफस्प्रिंग बनी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरीके से बच्चों सेकंड केस में मैंने कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर को लिया, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर को लिया, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर को लिया, तो यहां मुझे मिला कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर इनको लिया, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर फिर तीसरे केस में स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर को लिया, तो यहां मुझे मिला कैपिटल वाई कैपिटल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर को लिया, तो यहां मुझे मिला कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर मैंने स्मॉल वाई कैपिटल आर को लिया, तो यहां मुझे मिला स्मॉल वाई कैपिटल आर और फिर मैंने जब स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर को लिया, तो मुझे मिला स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। चौथे केस में स्मॉल वाई को कैपिटल वाई कैपिटल आर से करवाया, तो मुझे मिला कैपिटल वाई स्मॉल आर।
फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर को कैपिटल वाई स्मॉल आर से करवाया तो ये मुझे मिला कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर को स्मॉल सॉरी कैप स्मॉल वाई स्मॉल आर को स्मॉल वाई कैपिटल आर से करवाया तो यहाँ मिले मुझे मिला कि स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और लास्ट जब स्मॉल आर को स्मॉल वाई स्मॉल आर से क्रॉस करवाया तो यहाँ मुझे मिला स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ऐसे करके 16 ऑफस्प्रिंग हम लोगों ने तैयार कर दी। अब अगर इनका फिनोटाइप देखा जाए तो सबसे पहला राउंड एंड येलो के लिए कंडीशन क्या है सर? कम से कम एक कैपिटल वाई हो और एक कैपिटल आर। तो देखो एक बार चेक करो कहां और कितने तुम्हें मिल रहे हैं, काउंट करो एक बार। राउंड एंड येलो मतलब कम से कम एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई। कितने हैं ऐसे इन 16 में से, कितने ऐसे हैं जो राउंड एंड येलो होंगे? हाँ जी, तो ऐसे हैं 9। फिर ढूंढो राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन का मतलब है कि सर कम से कम एक तो कैपिटल आर हो, पर ग्रीन तभी होगा जब दोनों स्मॉल वाई होंगे। देखो जरा ऐसा कितने हैं। भाई स्मॉल वाई के साथ कम से कम एक कैपिटल आर हो, तो ये तीन आपको नजर आएंगे, स्मॉल वाई कैपिटल आर एक, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक आपको नजर आएगा। हाँ ये तीन आपको नजर आएंगे। फिर ऐसे कितने हैं जो रिंकल्ड एंड येलो हैं? रिंकल्ड एंड येलो, येलो का मतलब कम से कम एक कैपिटल वाई हो और रिंकल्ड का मतलब दोनों ही स्मॉल आर हो। तो ये आपको एक तो है कैपिटल वाई स्मॉल आर एक आपको मिल जाएगा कैपिटल वाई, एक और इस कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएंगे 3। और लास्ट रिंकल्ड एंड ग्रीन, इसके लिए स्मॉल वाई स्मॉल आर होने चाहिए जो कि इकलौता एक ही है लास्ट आखिरी वाला। तो आपका फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 9:3:3:1। जीनोटाइप रेशियो अगर हम लोग देखें तो कैपिटल वाई कैपिटल आर ऐसा एक ही है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर ऐसे दो हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे भी दो हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे चार हैं, सबसे ज्यादा यही है। स्मॉल वाई कैपिटल आर ऐसे एक है, स्मॉल वाई स्मॉल आर ऐसे दो, कैपिटल वाई स्मॉल आर ऐसा एक, कैपिटल वाई स्मॉल आर ऐसे दो, और लास्ट स्मॉल आर ऐसे एक। तो रेशियो जीनोटाइप का 1:2:2:2:2:4:1:2:2:1:2:1। जरूरी नहीं है आप इसी ऑर्डर में लिखें, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं इसे, पर रेशियो जो है वो आपका सही होना चाहिए। चैप्टर की लास्ट हेडिंग है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो लॉ मेंडल ने दिए इनकी क्या महत्वता हमारी लाइफ में है? तो पहली चीज तो हम लोग इन लॉ की हेल्प की वजह से हम लोग ये पता कर पाते हैं कि कौन सा करेक्टर डोमिनेंट है कौन सा करेक्टर रिसेसिव है। क्योंकि जनरली कोई भी जेनेटिकली कोई भी बीमारी अगर होती है तो वो रिसेसिव जीन की वजह से होती है। तो मतलब रिसेसिव जीन की वजह से कोई खतरनाक बीमारी हो सकती है तो हम लोग उस बीमारी को पहचान सकते हैं और हम लोग टाइम रहते हुए उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है उसकी तरफ भी हम लोग जा सकते हैं।
दूसरा जीन्स, जीन्स को प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाते हैं लॉज ऑफ मेंडल। इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि भाई एक करेक्टर के लिए एक जीन के दो एलील्स जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं, और ये दोनों एलील्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, गैमेटोजेनेसिस के दौरान एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर वेरिएशंस, चेंजेस आते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है क्रॉसिंग ओवर, ये सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखा जाता है, जिसमें जीन्स एक दूसरे को करेक्टर्स, एक दूसरे को करेक्टर्स एक्सचेंज करते हैं। तो मतलब कि जीन जो है वो बच्चे में, ऑफस्प्रिंग में और पेरेंट में एकदम एग्जैक्ट हूबहू एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि कुछ जीन्स के करेक्टर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज कर लिए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग अपनी मनचाही हाइब्रिड स्पीसीज को डेवलप कर सकते हैं अगर ग्रेगर जॉन मेंडल के ये लॉज हमें क्लियर हैं तो। और इसके अलावा हम लोग जीन्स को मैच करके इजीली अंदाजा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारा इवोल्यूशन किससे हुआ है। जैसे भाई हमारे और एप्स के जीन्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज होंगी, तो इवोल्यूशन हमारा जरूर उनसे हुआ होगा। कितने समय पहले हुआ होगा, कौन से जीन्स या कौन से एलील्स चेंज हो गए होंगे, ये सब कुछ हम लोग लॉज जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए उनकी वजह से समझ पाते हैं। तो बच्चों ये आपका चैप्टर जो है यहीं पर ओवर होता है। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। चैप्टर थ्योरेटिकल है बायोलॉजी का, पर बोरिंग चैप्टर नहीं है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग चीजें इस चैप्टर में आपको देखने को मिली। तो चलिए बच्चों, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू।